बिल्कुल नहीं, आज के बाद इंटरव्यू नहीं होगा आरती का। जनरेशन आगे बढ़ेगा या यहीं तक रहेगा? देखिए ये सब बात तो बोलने के लायक नहीं है। जनरेशन जब शादी ब्याह तो जनरेशन तो बढ़े है कि आरती का तबीयत खराब हो जाता है तो आरती अब जो है मीडिया के सामने नहीं आएंगे। जो है आरती जी आज के बाद यानी कि 29 डेट आज 29 तारीख है, 29 तारीख के बाद इंटरव्यू किसी भी मीडिया किसी भी ब्लॉगर को नहीं देंगे। तो क्या ये दोस्तों अभी हमारे साथ छोटू जी के पिताजी हैं और ये कुछ बताना चाहते हैं आप सब जो जितने भी मीडिया भाई और ब्लॉगर जो आते हैं इनके घर पे, तो ये उनको कुछ बात बताने जा रहे हैं। ये बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा क्योंकि बहुत बड़ा बात है ये। तो अंकल जी देखिए मेरा कहना है कि आरती का तबीयत खराब हो जाता है तो आरती अब जो है मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अपने चैनल में ब्लॉग बना करके और डालेंगे, उनको देखते रहिएगा। दर्शक को मैं यही कह रहा हूँ। आज डेट भी बता दीजिए किस डेट से आरती अब इंटरव्यू देने नहीं आएगी। आज क्या तारीख है? 29 आज 29 तारीख है, 29 तारीख हम डेट दे रहे हैं, आज के बाद वो नहीं आएंगे सामने, अपने ही चैनल में बना करके डालेंगे। कोई भी मतलब कोई भी बड़ा मीडिया कर्मी कोई भी आए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद नहीं देगी इंटरव्यू? बिल्कुल नहीं देंगे। तो दोस्तों जो भी आप लोग सोचते होंगे कि आरती जी का इंटरव्यू आज के बाद लेने जाएंगे वो तो आके मिल सकते हैं लेकिन इंटरव्यू आरती जी नहीं देंगे। और ये जो है छोटू जी के पिता खुद ही बोले हैं। अंकल जी ये बताइए आज आरती जी कितने देर के लिए बाहर आ रही है? बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं। आप लोग को 3 मिनट यहाँ इंटरव्यू देंगे, 3 मिनट में बिल्कुल शांति पूर्वक से आप लोग ले लीजिएगा इंटरव्यू बस। कितना कितना आज से तो आप जिस दिन यानी कि 5 तारीख कब शादी हुआ? 5 को नहीं 25 तारीख को जो शादी हुआ उस दिन तो आप उस दिन से आप ससुर जी बन गए उनका। जी, जी। देखिए बेटी में और पुतों में कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बेटी मानिए या पुतो मानिए एक ही चीज है। आप इतना दिन से आरती जी को संभाल के रखे इसके लिए आप मतलब आपका समाज का आदमी क्या बोलता है? देखिए समाज का आदमी तो सब मतलब सहयोग दे रहा है, सबका सहयोग से शादी हुआ है ना, मैं अकेला थोड़ा किया हूँ, अकेले नहीं किया हूँ। कितना लड़का था? अच्छा 3 लड़का था। अच्छा सर मेरा एक सवाल था, जैसा कि आप बोल रहे हैं अब तो आपका बेटी और पुतों में कोई अंतर नहीं रहा, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या मतलब कि जनरेशन आगे बढ़ेगा या यहीं तक रहेगा? देखिए ये सब बात तो बोलने के लायक नहीं है। जनरेशन जब शादी ब्याह तो जनरेशन तो बढ़ेगा, जनरेशन तो बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, नहीं जैसे कि मोनू जी एक इंटरव्यू में बोलेगा अभी मना है, मतलब कि आपसी मतभेद है, ठीक है शादी हो गया ये चीज हम मानते हैं लेकिन आपसी मतभेद है इस पे सर आप क्या अभी ऐसा? देखिए सबको सब कोई बात नहीं है, वो ऐसा कोई बात नहीं, नहीं, बिल्कुल सब चलिए अभी हम बिल्कुल सब फिर से एक बार बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आज के बाद इंटरव्यू होगा कि नहीं? जी नहीं बिल्कुल नहीं, आज के बाद इंटरव्यू नहीं होगा आरती का, अपने चैनल में डालेंगे। उनको 2 चैनल है, एक छोटू आरती और लव और एक अमेश आरती का, और अभी क्या अर्निंग वगैरह हो रहा है कि नहीं अंकल जी, ये थोड़ा बता दीजिए अर्निंग हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हो रहा है कि नहीं? क्या मतलब मैं समझ यूट्यूब से पैसा आ रहा है? देखिए अभी पैसा मोनिटाइज हो गया है लेकिन अभी अकाउंट में नहीं आया, अकाउंट में नहीं आया। एडसन पिन आया? जी नहीं आया। एडसन पिन आता है 6 अंक का? नहीं आया, नहीं आया है। तो आरती जी का एक चैनल है आरती छोटू लव करके, आप लोग यदि चैनल को चेकआउट नहीं किए हैं जाके सबसे पहले चेकआउट कीजिए। और आरती जी के ससुर का बहुत बड़ा जो है बयान निकल के आया ये कि आरती आज के बाद इंटरव्यू नहीं देगी कोई भी सोशल मीडिया पे, वो अपना जो एक चैनल उसका एक है MS आरती का है ना और एक है आरती छोटू लव करके, उसी दोनों चैनल पे आप सभी को अपडेट मिलेगा। और आज के बाद किसी भी मीडिया भाई को किसी भी ब्लॉगर भाई को कितना भी दूर से यदि चैनल वाला क्यों ना हो स्पष्ट तरीके से मना कर दिया गया अब नहीं होगा, बिल्कुल मना, आज के बाद इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। आप सभी मीडिया भाई से और ब्लॉगर से निवेदन है यदि आना चाहते हैं तो आके मिल सकते हैं लेकिन इंटरव्यू कोई भी इनको इंटरव्यू लेना है आज आकर के ले लीजिए, अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, अभी तो आपको अभी ये कल वीडियो अपलोड होगा। अच्छा एक बार बताइए सर जैसे तो दोस्तों आज के बाद इंटरव्यू नहीं होगा, आज के वीडियो में यहीं तक और बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पे। देखिए नीचे हुई है ना।
तो दोस्तों अभी जो है आरती जी निकल रहे हैं और ये मोनू जी हमारे साथ हैं, आरती जी के पति, और बहुत ही मशक्कत के बाद जो है आरती जी बाहर निकल रहे हैं और अंकल जी के मनाने पे आरती जी देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं। अच्छा, आपके ससुर जी यानी कि मोनू जी के पिताजी का बड़ा बयान आया है कि अब जो है आरती जी आज के बाद यानी कि 29 डेट आज 29 तारीख है, 29 तारीख के बाद इंटरव्यू किसी भी मीडिया किसी भी ब्लॉगर को नहीं देंगे। तो क्या ये सच है और क्या ये आप नहीं दीजिएगा इंटरव्यू, ये था बता दीजिए। देखिए सच्चाई की अगर सच्चाई की मतलब और दिखाएंगे ना तो दे सकते हैं, यदि सच्चाई दिखाइएगा तो। मोनू जी यदि कोई बधाई देने आ रहा है आपके शादी पे, यदि आपको कोई बधाई देने आ रहा है सही भावना के साथ पूरे इमोशन के साथ, तो क्या आप उनको समय देंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे लोग जो आपको बधाई देने आ रहे हैं क्योंकि शादी हुई है बंधन हुआ है तो बधाई देना तो बहुत बड़ी बात। मनोज जी देखिए आपसे सही लोग कई बार बातचीत तो कर ही लिया, ठीक है, बस आरती से एक विद इन एक या दो मिनट बात करेंगे उसके बाद हम डेट सॉल्व जी। आरती जी का जो है अभी कंठ बैठ गया है, काफी ज्यादा इंटरव्यू हो चुका है इस वजह से। भाई साहब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे शांत हो यार, प्लीज आरती क्या कहना चाह रही है? इंटरव्यू की बात आती है कि जैसे कि आज के बाद आप इंटरव्यू नहीं देंगे, इसके लिए ससुर जी उन्होंने कहा कि आज के बाद इंटरव्यू नहीं होगा, मिलने की बात हो सकती है, अदरवाइज इंटरव्यू नहीं होगा, ताला लग जाएगा, क्या कहेंगे? तो जो 500 किलोमीटर दूरी से कोई मीडिया का कर्मी आएगा आपसे जो है सवाल पूछेगा, अगर आपको शुभकामनाएं देने आएगा तो क्या उनसे बातचीत कर सकती हैं आप? देखिए सच्चाई की रहेगी ना, सच्चाई की ही बात, अगर सच्चाई हाँ कोई दिखाएगा तो आप लोग इंटरव्यू देंगे ना, दे सकते हैं, क्योंकि अगर जो क्योंकि अभी देखिए उस दिन आए जी बोले कि जिस मुद्दे पे बात हो रहा है उस मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर जब आए ना बोले सिर्फ दो लाइन पूछना है, उसके बाद ये लोग आपस में बात करते करते हंगामा मचा दिए, उसी में से हम लोग यहाँ पे चले गए, फिर बोले डर के भाग गए। जो जो आए थे जिससे आपसे बहस हुआ है वही आपकी जो है प्रतिक्रिया जो है वो चला रहे हैं चैनल पे, जो जिस तरीके से जो है उस दिन आपसे विवाद हुआ था लड़ाई झगड़ा हुआ था वही जो है आपका जो है बुराई भी करना स्टार्ट कर दे तो उनपे क्या कहेंगे आप? पहले बुराई नहीं करते थे लेकिन उस दिन से बुराई करने लगे जब से शादी हुआ तब से जी, जबकि शुभकामनाएं देना चाहिए था जितने भी व्यूवर थे जितने भी आपका वीडियो चला है टीआरपी लिए। एक लड़की पूरी जिंदगी ऐसे ही नहीं रह सकती है, इसलिए जोड़ा में रहना या शादी करना वो तो एक बहुत अच्छा कदम है, मैं भी और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बधाई दे रहे हैं। तो आरती जी नहीं बोल सकते हैं उसको गला, पहले तो यही होता था कि सभी मीडिया के कर्मी जो है यही पूछते थे कि आरती शादी कब करेंगी, शादी कब करेंगी, बिल्कुल। जब शादी हो जाता है तो उसके बाद जो है अनेक प्रकार की जो है सवाल यहाँ पे मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग अपने घर के लिए निकल गए हैं और अभी जो है शाम के 6 बज गए हैं, हम लोग घर से दिन 11 बजे के आसपास निकले थे और अभी 6 बज गया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा गाइस क्या ही बताएं, देख सकते हैं बाल उल कैसा हो गया, अभी तक खाना भी नहीं खाए, मेरे साथ सुनील है ये भी नहीं खाया है तो अभी चल रहे हैं अपने घर पे और आप सभी से मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए अपने भाई को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दबा के, मिलते हैं आप सबों से और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।